हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहाँ पे हम रिव्यू करते हैं खाने को सो सो वेलकम बैक टू माय रिव्यू आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो लंडन में बहुत फेमस है और इंडिया में इस ब्रांड के काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं बट ये वाला फ्लेवर आपको बहुत कम मिलेगा इंडिया में वो रीजन आपको देखते पे चल जाएगा ये है प्रंगल का स्मोकी बेकन फ्लेवर तो आइए चलिए देखते हैं क्या है इसकी क्वांटिटी और कैसा है इसका टेस्ट तो अगर बेकन की बात करें तो तो स्मोकी में देखा है नहीं कहीं पे मिल जाए मुश्किल से तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप बेकन खाते हैं क्योंकि आजकल बेकन इंडिया में काफी मिलने लगा है तो फ्लेवर मिल सकता है बट मुझे नहीं मिला परफेक्ट फ्लेवर इन एवरी बाइट और यहाँ पे खाना तो बनता है बॉस क्योंकि ये लंडन है और लंडन में इसका फ्लेवर एक्यूरेट होगा क्वान्टिटी uh, की इसकी बात करते हैं तो so, ये है 200 ग्राम का डब्बा और अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो हु हुयर्स <laughs> चिप्स हैं यार खाओ पियो ऐश करो ओके okay, अगर देखें प्रिंगल्स की तो ये वाला बॉक्स मैंने खोल लिया है क्योंकि मुझे बहुत भूख लग हुई थी तो ट्वेंटी टू हंड्रेड ग्राम्स की अगर बात करें तो भाई ये बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है मैंने एक पैक खाया था दूसरे फ्लेवर का वो कुछ तंदूरी डिलाइट था और मैं उसे पूरा नहीं खा पाया और मुझे फेंकना पड़ा इसकी बात करें तो मुझे वन पॉइंट वन पाउंड का मिला है विच इज वन पाउंड वन पेंस यहाँ पे पेंस चलता है तो आइए इसे ट्राई करके देखते हैं और वैसे तो मैंने ट्राई कर दिया पर मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे कैसा लगा फर्स्ट में और इसका जो फर्स्ट व्यू है फर्स्ट टेस्ट व्यू है मेरा मैंने अभी ये खाया नहीं है मतलब आज की डेट में मैंने खाया नहीं है तो अभी जो फ्लेवर आएगा वो बिल्कुल वही आएगा तो मतलब मेरी मेरे जो पैलेट्स हैं वो अभी न्यूट्रल हैं ओके okay. प्रिंगल की एक खास बात है कि प्रिंगल की जो क्वालिटी है ना वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है इसके हर एक चिप का शेप एंड साइज बिल्कुल आप देखो सेम है सेम। कर देता हूं और यहां रख देता हूं और ये है इसका चिप और इसमें मसाला लगा हुआ है अच्छा से इसको ट्राई करके कर कर देखते हैं हम्म, हम्म, कैन यू लिसन दैट क्रंच बहुत क्रंची है बेकन का नाम पूरा फ्लेवर कहते हैं ना पूरा फ्लेवर है जैसे कि कभी बेकन पैन पे थोड़ा सा फ्राई करा जाता है थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा ना कभी कभार जल जाता है तो लाइक कभी कभार बर्निंग वाला फ्लेवर आता है कि वो थोड़ा सा जला हुआ है बर्न फ्लेवर आता है ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है बिल्कुल ही प्रॉपर जैसे कुक बेकन होता है बिल्कुल वही फ्लेवर है और कोई शिट नहीं है सिर्फ बेकन फ्लेवर है स्मोकी बेकन फ्लेवर ऐसा नहीं कि इसमें कहीं पे फालतू के मसाले जुड़े हुए हैं बेस्ट टेस्ट है अगर आपको बेकन का असली स्वाद चाहिए ना गो फॉर दिस बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसमें बेकन का फ्लेवर होगा फलाना डिम का लिखा होगा बट दिस इज गेट किसी भी सुपर मार्केट में मिले गो फॉर दिस फूड रिपोर्ट देने की आई डोंट थिंक मुझे जरूरत है क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है बट स्टिल मैं देता हूँ इसको एक फूड रिपोर्ट अगर प्राइस की बात करें तो वन पाउंड में इट्स नॉट अ बैड डील बहुत अच्छा है कुछ सौ सवा सौ रुपए सौ भी बैठेगा सौ रुपए का मान के चलो सौ रुपये का ही बैठेगा जो कि नॉर्मल इंडिया में भी एटी नाइन नाइन्टी नाइन के आसपास का पड़ता है कुछ और एक्सपेंसिव फ़्लेवर होते हैं वो सौ से ऊपर के चले जाते हैं बट यही इसके वहाँ पर भी प्राइस है यहाँ पर भी प्राइस है पर यह वर्थ है बिल्कुल वर्थ है और इसको ज़रूर ट्राई करना अगर आपको कुछ स्मोकी फ्लेवर पसंद होता है चिकन विकन में भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं बट बेकन इज बेस्ट दी बेस्ट अगर आप खाते हैं बेकन तो और प्राइस पॉइंट से देखा जाए तो यार मुझे बहुत सही लगा और ऊपर से यार प्रिंगल है इसमें कुछ कह कुछ दो राय नहीं है कि क्या क्वालिटी होगी टूट चिप्स होंगे प्रिंकल इज द बेस्ट बेस्ट इन 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 क्लास इन मेकिंग चिप्स सो मेरी तरफ से अगर मैं स्मोकी बेकन और प्रिंकल को आउट ऑफ फाइव कुछ रेटिंग दू तो मैं पहली बार किसी प्रोडक्ट को फाइव आउट ऑफ फाइव दूंगा क्योंकि जो इसमें लिखा है वो फ्लेवर इसने मुझे दिया है सो दिस इज अ वेरी बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड गाइस प्लीज इसे ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको प्रिंगल का सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा लगता है और आप कौन सा फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि किस फ्लेवर में ये वाला प्रिंगल आए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें कॉमेंट करें और बताएं जब आपने पहली बार प्रिंगल खाया था तो आपको कैसा लगा था थैंक्स फॉर वॉचिंग